देश में ऑक्सीजन की कितनी समस्या है, ये सोशल मीडिया में लोगों की वीडियोस देखकर, ये न्यूज़ देखकर पता चल ही गया होगा आपको। कुछ दिन पहले गृह मंत्री अमित शाह से आज तक के इंटरव्यू में पत्रकार ने ऑक्सीजन की कमी को लेकर सवाल किए, तो अमित शाह ने क्या जवाब दिया, आप खुद सुन लीजिए। देखिए, ऑक्सीजन की किल्लत का अगर किसी ने पॉलिटिकल रोना धोना है तो मैं इसको रोक नहीं सकता, परंतु मेरे पास सटीक आंकड़े हैं। डिमांड सप्लाई का गैप बहुत नैरो हुआ है, मगर कमी नहीं हुई, और अब ट्रेन की व्यवस्था होने के बाद इसको भी एक दो दिन में भी सभी जगह पर्याप्त मात्रा में रिजर्व स्टॉक भी हो जाएगा। अमित शाह के मुताबिक ऑक्सीजन की देश में कोई कमी नहीं है, सरकार इस पर सक्रिय है। आइए देखते हैं जो अमित शाह कह रहे हैं वे असल में कितना सच है। स्कूप वूप अनस्क्रिप्टेड के पत्रकार ने दिल्ली के अस्पताल के बाहर लोगों से बात की, आप खुद ही सुनिए लोग ऑक्सीजन की कमी से कितने परेशान हैं। ऑक्सीजन सिलेंडर्स नहीं है लोगों के पास, एक एक सिलेंडर पे 10-10 लोग हैं यहाँ पर, आपको समझ में आ रहा है, 1/10, एक सिलेंडर से 1/10 10 लोगों को जा। एक डॉक्टर आके बोलता है कि जिसकी ऑक्सीजन लेवल 70-70 है वो मेरे पास ना आए, और जिसकी ऑक्सीजन लेवल 30 है वो फाइनल समझ लो, वो जिंदा नहीं बचेगा, ऐसे बात करते हैं वो। 20 है तो मेरे पास मत आओ, इसका क्या मतलब है? मतलब कि वो कुछ नहीं कर सकते, वो हाथ खड़े कर देते हैं, ये मतलब हुआ उसका। डॉक्टर ने एक ही पहले एक पाइप से 3 लोग का था, फिर उनमें से 6 लोग का करा, तो ऐसे एक पाइप से 3 लोग को ऑक्सीजन मिल रहा है, फिर बाद में उसे 6 कर दिया कि सबका थोड़ा सा काम चलता रहा। उसके बाद उसमें से जब फ्रेश रिकवरी हुई, उसके बाद जब बेड खाली हुई तब उनको फिर आईसीयू में भेजा। मेरे सामने कम से कम 7-8 मौत तो बिना ऑक्सीजन के हुई हैं। इसके अलावा आज तक की लखनऊ की रिपोर्ट देखिए जिसमें लोग ऑक्सीजन की कमी को लेकर कितने परेशान हैं। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ, एक एक सांस के लिए जनता झोली फैलाए भटक रही है। गैस एजेंसियों के सामने कठोर तपस्या कर रही है ताकि उसे वो वरदान मिल जाए जिसका नाम ऑक्सीजन। और ये समझ लीजिए कि सिलेंडर नहीं मिला उसको, तो समझ लीजिए उसका बचना नामुमकिन है। हम लोग रात से लगे हैं लाइन में, अब कह दिया गया कि सिलेंडर यहाँ पर नहीं। दिल्ली हाईकोर्ट ने भी ऑक्सीजन की कमी को लेकर सरकार को फटकार लगाई थी, इस मुद्दे पर भी अधिक जानकारी वरिष्ठ पत्रकार अभिसार शर्मा ने दी है। और सबसे बड़ी बात आपके स्क्रीन पर दोस्तों, मैं आपको बतलाना चाहता हूं कि हाईकोर्ट ने क्या कहा था। हाईकोर्ट ने देर रात दखल दी थी, इस वजह से कई अस्पतालों में दिल्ली के अंदर ऑक्सीजन पहुंच पाई, और बहुत ही कड़ी लताड़ लगाई थी उन्होंने केंद्र सरकार को। क्या कह रहा है यहां पर हाईकोर्ट केंद्र सरकार से कि अगर ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं की गई तो तबाही मच जाएगी, और उसकी एक झलक हमने गंगाराम अस्पताल में कल रात देख ली। यह मत सोचिए कि यह संकट टल गया है, यह संकट और उग्र होने वाला है, और यहां पर हाईकोर्ट ने सीधे तौर पर लताड़ लगाई। और उसके बाद दोस्तों एक बहुत ही रहस्यमय चीज होती है, जैसे ही हाईकोर्ट लताड़ लगाती है, और यही नहीं सिर्फ दिल्ली हाईकोर्ट ने लताड़ नहीं लगाई थी, बॉम्बे हाईकोर्ट का यह आदेश देखिए, उन्होंने यह कहा कि जो ऑक्सीजन सप्लाई महाराष्ट्र को मिलनी चाहिए वो डाइवर्ट कर दी गई, वो महाराष्ट्र को नहीं दी गई, ये किसी और का आदेश नहीं है, ये बॉम्बे हाईकोर्ट का आदेश है। इतना ही नहीं, हाल ही में प्रधानमंत्री की राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ मीटिंग हुई तो दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल ने ऑक्सीजन की कमी को लेकर प्रधानमंत्री से गुहार लगाई। प्रधानमंत्री जी, जब से ऑक्सीजन का संकट शुरू हुआ है मेरे फोन बजते रहते हैं, कभी कोई अस्पताल कहता है कि 3 घंटे की ऑक्सीजन बची है, कभी कोई अस्पताल कहता है कि 2 घंटे की ऑक्सीजन बची है। हम कारण जानने की कोशिश करते हैं तो पता चलता है कि पीछे किसी राज्य ने दिल्ली के लिए ऑक्सीजन लाने वाले ट्रक को रोक रखा है। हमने मदद के लिए केंद्र सरकार में कुछ मंत्रियों को फ़ोन किए, शुरू में उन्होंने खूब सहयोग किया सर, लेकिन अब वो भी बेचारे थक गए हैं। सर, देश के संसाधनों पे तो 130 करोड़ लोगों का अधिकार है ना, अगर दिल्ली में ऑक्सीजन की फैक्ट्री नहीं है तो क्या दिल्ली के 2 करोड़ लोगों को ऑक्सीजन नहीं मिलेगी? पर सर, मैं आज ये जानना चाहता हूँ कि अगर आज या कल या किसी भी टाइम हमारे दिल्ली के किसी अस्पताल में अगर 1 घंटे की, आधे घंटे की, 2 घंटे की ऑक्सीजन बच जाए और लोगों की मरने की नौबत आ जाए तो मैं फ़ोन उठा के केंद्र सरकार में किससे बात करूँ? सर, मैं ये जानना चाहता हूँ कि अगर कोई राज्य दिल्ली के कोटे की ऑक्सीजन का ट्रक रोक ले तो मैं फ़ोन उठा के किससे बात करूँ? हालत काफ़ी ज़्यादा गंभीर हो चुके हैं सर,
हम अपने लोगों को मरने के लिए तो नहीं छोड़ सकते। देश में कोरोना की बढ़ती स्थिति को सरकार कंट्रोल कर सकती है, उन्हें अपना ध्यान चुनावी मैदान से हटाकर इस पर लगाना पड़ेगा और प्रधानमंत्री और अन्य नेताओं को मिलकर कुछ अहम और कठिन फैसले लेने होंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब टुडे टीवी। इफ यू लाइक आवर चैनल प्लीज सब्सक्राइब एंड टू गेट नोटिफिकेशंस अबाउट न्यूज़ प्लीज क्लिक द बेल आइकन।